प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हों, ऐसी कठिन बातें हों जो आपको असंभव जान पड़ती हैं, जिनका होना आपको असंभव लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरी लाइफ में। हो सकता है आपके जीवन में कुछ असंभव बातें हों जिन्हें आप संभव करना चाहते हैं परंतु वे नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगा आज हमारे साथ में आप प्रार्थना करें, आपके जीवन की हर एक कठिन हर एक असंभव बात दूर हो जाएगी और आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहोशू की किताब उसका 10:12 में कुछ इस प्रकार से कहता है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। आमीन। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यहोशू एमोरियों के साथ में युद्ध कर रहा था तो रात होने लगी, जब अंधेरा होने लगा और अभी भी युद्ध बाकी था और यहोशू चाहता था कि मैं अपने विरोधियों पर आज विजयी प्राप्त कर लूँ, परंतु अंधेरा होने लगा। तब यहोशू ने विश्वास से इस प्रकार से प्रार्थना किया, परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना किया कि हे सूर्य हे चंद्रमा तो अपनी जगह पर थम जा, यानी कि अंधेरा न हो। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो अंधेरा न हो, ये रात न हो, दिन बढ़ जाए और रात अभी न हो। जब तक मैं अपने विरोधियों को हरा न लूँ तब तक अंधेरा न हो। और दोस्तों परमेश्वर ने यहोशू की इस प्रार्थना को सुन लिया और सूर्य चंद्रमा अपनी जगह पर ठहर गए और अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा नहीं हुआ और यहोशू ने अपने विरोधियों पर विजय को प्राप्त कर लिया। वो असंभव बात उसके लिए संभव हो गई। कब? जब उसने विश्वास की प्रार्थना को किया। वो जानता है कि ये असंभव बात है, वो इस बात को जानता है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर नहीं ठहर सकते, वो जानता है कि जब रात होनी है तो होनी है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, परंतु वो ये भी जानता है कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जिसने सूर्य चंद्रमा को दिन और रात को बनाया है वो उन्हें ठहरा भी सकता है, उन्हें रोक भी सकता है। इसलिए उसने उस असंभव बात के लिए प्रार्थना की अपने उस महान परमेश्वर से जिसने सब कुछ को बनाया। उस महान परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि ये असंभव बात जो है ये संभव हो जाए और उसके लिए वैसा ही हो गया। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि यदि आप भी परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना करेंगे, ऐसी प्रार्थना जो विश्वास की प्रार्थना हो, जो असंभव को संभव करने के लिए प्रार्थना हो, तो परमेश्वर आपके लिए भी असंभव बातों को संभव कर दिखाएगा। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ से कहा कि तुझसे आज के बाद फल न लगेंगे और उसी समय वो अंजीर का पेड़ सूख गया, एक असंभव बात संभव हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में गिर जा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि बात है विश्वास की। यदि आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन की वो कठिन बातें दूर हो जाएंगी, वो असंभव बातें दूर हो जाएंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कब? जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे यहोशू की तरह, जब आप हिचकिचाएंगे नहीं, जब आप संदेह नहीं करेंगे, जब आप अविश्वास नहीं करेंगे बल्कि विश्वास से प्रार्थना को करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो असंभव बात है, ये संभव कैसे हो सकती है, इस बात को न देखते हुए जब आप केवल और केवल प्रार्थना करेंगे तब आपके लिए सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी रुक जाएगी, दिन रुक जाएगा, रात रुक जाएगी, असंभव बातें संभव हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पश्चिम बंगाल से ग्लोरिया बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे ऑफिस में बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत गुटबाजी हो रहा था, बहुत अशांति था। मैंने अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे ऑफिस में बहुत शांति है अभी। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बहन को कोरोना हुआ था, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था अमृता मसीह के पास। सिस्टर अमृता मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी बहन को कोरोना के बीमारी से छुटकारा मिला।
और कुछ समय पहले मुझे बहुत फीवर था, वीकनेस बहुत हो रहा था, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था सिस्टर अमृता को, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं अभी भली चंगी हूँ। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर अमृता और उसके टीम का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नई सुबह के लिए। सो मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है, और आइए मिलकर इस सुबह में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं के प्रभु, हमारे महान जीवित है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे मीठे और पवित्र नाम के लिए प्रभु। हाँ पिता, जो तारीफ के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, तो ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं। और आज प्रभु जितने भी भाई बहन, नौजवान बच्चे प्रभु यीशु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु वो आशीष पाएं, तेरी होली प्रेजेंस को वो अपने जीवन में इस सुबह में, इस पल में महसूस करें, और पवित्र आत्मा इस पूरे दिन भर में आप उनकी सहायता और मदद करें। पिता होने दीजिए प्रभु हर एक इनके मन को डाइवर्ट करने वाली बात, दुष्ट जो इनके मन को भटका रहा है प्रभु, इस प्रार्थना से डाइवर्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस डाइवर्ट करने वाली बातों को हम इसी समय इनके जीवन से कैंसिल आउट करते, एक एक के ऊपर प्रभु तेरे नियंत्रण को रखते हैं, एक एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु। फुल ऑफ कंट्रोल आप इनके ऊपर लीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन के द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु, धन्यवादी हैं कि प्रभु तूने दुनिया की छोर से एकत्रित किया प्रभु, कि तू अपने लोगों से बातचीत कर सके, और धन्यवादी हैं कि तेरे लोगों को तूने सुनने वाले कान दिया और ग्रहण करने वाला हृदय दिया प्रभु। जब उन्होंने प्रभु तेरे नाम को विश्वास करके प्रभु ये वचन को सुना और इस वचन को थामा है प्रभु, जिस प्रकार यहोशू के लिए परमेश्वर तूने किया प्रभु, उसी आज वो असंभव बातें प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए भी आप संभव करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा जो अद्भुत है, जो इनके लिए मुश्किल है, जो इनके लिए कठिन है, जो इनके सोच समझ और कल्पनाओं से परे है, वो असंभव है, परंतु वही आप इनके जीवन में इनके विश्वास के द्वारा, इनके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, जिस प्रकार यहोशू के लिए उसके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपने किया प्रभु, उसी प्रकार आज आप इनके जीवन में वही करने जा रहे हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, और विशेषकर प्रभु जी इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि तेरे लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह विश्वास की प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, और आज ही से परमेश्वर प्रभु जी उनके वो असंभव बातें संभव होने के लिए तैयार है मेरे खुदा। और इस सुबह में परमेश्वर मैं विनती करती हूँ, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा प्रभु यहोशू की प्रार्थना से थम गए परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु ये कठिन परिस्थितियां, ये मुश्किलें जो इनके लिए असंभव है, वो ही इनके जीवन से जा रही हैं प्रभु, वही इनके जीवनों से प्रभु दूर हो रही हैं, क्योंकि प्रभु आज तेरे लोगों ने प्रभु इस बात पर भरोसा किया है, जिस प्रकार तूने यहोशू के लिए किया, आज भी प्रभु तू अपने बेटे बेटियों के लिए वही करने में सामर्थ्य है। तो आज कल युगानुयुग एक समान है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब इन्हें मुश्किल लग रहा है किसी गलत बात से बाहर निकलना, तो प्रभु आप इनके लिए उस असंभव बात को संभव करें। जब इन्हें मुश्किल लग रहा है कि लोन पे करना, तो प्रभु यीशु मसीह आप इनके लिए पूरा करें। जब इन्हें असंभव लग रहा है कि शायद इनके बच्चे कभी भी नहीं सुधर पाएंगे, परंतु प्रभु आज जब ये विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु विश्वास के द्वारा आप इनके बच्चों को सही राह पर लाइए। हाँ प्रभु, उन्हें मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए आप उत्साहित करें प्रभु, उस एडिक्शन से, उस बुरी लत से, उस ड्रग एडिक्शन से, उस नाना प्रकार के गलत कामों से, बुरी संगति से बाहर निकलने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। जब इन्हें असंभव लग रहा है कि किस प्रकार हम अपने घर को बना पाएंगे, परंतु प्रभु तू उनके लिए उस असंभव कार्य को संभव करना प्रभु। जब इन्हें उस जानलेवा बीमारी से प्रभु यीशु मसीह, उन्हें लगता है कि शायद हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, परंतु प्रभु आज जब वो प्रार्थना करें, तो असंभव बातें आप उनके जीवन में संभव करें। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट सारी नेगेटिव है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु यीशु, जब आपके लोगों ने विश्वास किया है, तो प्रभु आप कार्य करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज जितनी भी ऐसी असंभव बातें हैं प्रभु, जो मैं नहीं जानती, परंतु इस समय वो असंभव बातों को प्रभु तेरे लोग अपने मुंह से खुद कहकर बयां कर रहे हैं प्रभु, और उन बातों को मैं तेरे आगे रखती हूं खुदा, कि उस असंभव बातों को संभव करें इस वचन के आधार पर। हां प्रभु, तेरे कहे हुए वचन के आधार पर प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूं, जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा थम गया, आज वही प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के जीवन में वो असंभव बातें संभव होने पाए,
यीशु नासरी के पवित्र नाम से प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के पैरालाइज की बीमारी को, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का अल्सर, हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे उनके शरीर में नाश होने की आज्ञा देते हैं। हर एक उस बैक्टीरिया को हम नाश होने की आज्ञा देते हैं। हर एक उस रोग को जो इनके शरीर में काफ़ी लंबे समय से, उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पिता इन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके शरीर से हर प्रकार के घाव को दूर होने की आज्ञा देते हैं। इनकी हड्डियों को चंगा आप करें परमेश्वर पिता। इनके स्किन्स को आप हील करें प्रभु। हर एक डिजीज़ को आप इनके शरीर से नष्ट करें प्रभु, क्योंकि असंभव लग रहा है परंतु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक अच्छा जॉब आप इन्हें दें। आप इनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हें सक्सेसफुल करें। आप प्रभु जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं कमज़ोर हैं प्रभु, आप उन्हें उस स्टडी में मजबूत और स्ट्रॉन्ग करें और बुद्धिमान उन्हें बनाए परमेश्वर। प्रभु जी जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, यदि इनको लग रहा है कि शायद ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, परंतु पिता ये तेरे लिए संभव है। आज जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इसी समय प्रभु जी उनकी मानसिक स्थिति बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम से वो बोलने लगे, देखने लगे, चलने लगे, क्योंकि ये असंभव है परंतु आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती काफ़ी लंबे समय से प्रभु बहुत बड़े बड़े केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं जिनका कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा। आप सलूशन दीजिए प्रभु जी। मेरे खुदावन हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर हो जाए। इस सुबह में परमेश्वर विशेष का प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं, खौफ खतरों से बचाएं प्रभु, हर एक नुकसान से बचाएं प्रभु, हर एक फ्रॉड से बचाएं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, 100 गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु आप उन्हें रिटर्न करें, आप उन्हें आशीषित करें, अनजल के भंडारों पर आशीष दें, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें प्रभु। कोई भी भली और उत्तम वस्तु आपके लोगों से, आपके प्रिय लोगों से जिनसे आप प्रेम करते हैं छुपी ना रहे प्रभु। आप इनकी सारी ज़रूरतों को करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जो कुछ भी काम ये भाई ये बहन करते हैं प्रभु, उस पर तेरी बरकत हो। जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो। आज जहां कहीं भी जाते सुरक्षा प्रदान करें, सेफ एंड प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। और प्रभु इनको हर प्रकार से प्रभु आप आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु जितने भी इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनकी समस्याओं से आप उन्हें छुटकारा दें और उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।